कौन है ये लड़का, आखिर आया कहाँ से ये लड़का, इस लड़के को तो हमने कहीं देखा है, कहाँ देखा है ये समझ नहीं आ रहा। ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि रीजन होता है, हर बार की तरह मैं रीजन बताता नहीं हूँ, रीजन होता है। तो पिछले अपन निगत उसे नहीं, जिनको आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में बर्थडे विद फैमिली जो मैंने ब्लॉग बनाया था, वो भी मैंने उनके साथ ही ब्लॉग बनाया था वो। और अगर मैं अपनी शुरुआती दिनों की बात करूँ तो देसी पकौड़ा करी जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें भी मेरे अपा निगत हुसैनी मेरे साथ ही थी, उन्होंने ही मेरी वीडियो शूट की थी और मुझे चाहिए थे अल्फाज जो मेरे पास नहीं थे। अगर मैं नया ब्लॉगर तो बन गया था तो मुझे अल्फाज चाहिए थे और बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, कॉन्टेक्ट चाहिए था कि कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब नया आता है किसी नई लाइफ में आता है तो वह पहले चलना सीखता है, चलना कैसे, तो उंगली पकड़ के वो चलता है। तो मेरी अपा ने मुझे ये बताया कि कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और कैसे डायलॉग बोलने चाहिए और कैसे नहीं, तो उन्होंने मुझे मेरी ज़्यादा हेल्प की। तो उनकी मफरत के लिए आप दुआ करें और अल्लाह उन्हें देने से पहले मैं हूँ आरिफ जुनेजो, आप देख रहे हैं आरिफ जुनेजो यूट्यूब चैनल। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपका जो शुरुआत में जो मैं इंट्रो करता था तो मैं ऐसे करता था, अस्सलाम वालेकुम, गेम चो मजामा चो कसक्का केरो वाला है, कैसे हैं आप सब, और आप देख रहे हैं आरिफ जुनेजो यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक मंथ से पहले, एक मंथ तक मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था, इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते मैं ब्लॉग अपलोड करता जाऊंगा और ये ब्लॉग भी देखते हैं कैसा होगा। तो गाइज अभी मैं ऑफिस में ही था, ये देखा, तो ये है अली रजा जो कि अभी स्क्रिप्ट याद कर रहे थे और पीछे डायरेक्टर साहब भी बैठे जो कि ऐसे बता रहे थे कि कैसे सेंटेंस को कैसे बोलते हैं और कैसे न्यूज़ पढ़ी जाती है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसे गाइड कर रहे हैं आपको? सही कर रहे हैं गाइड। तो आगे एडिटिंग वाले रूम में भी चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अगर एक बात बोलूँ, पहले जो मरियम होती थी ना, तो मरियम ब्लॉग में बहुत मज़ा करती थी क्योंकि एक एंटरटेनमेंट हो जाता है और एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होता है। तो चलते हैं उस वाले कमरे में, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो ये काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था, तो मुझे असद भाई ने भी कहा कि आप अपने चैनल पर रोज़ ब्लॉग अपलोड किया करो। ऐसा क्यों आपने कहा था? वो इसलिए कहा था क्योंकि आपके जो देखने वाले और चाहने वाले थे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो मैंने आपको इसलिए, आपको वो नज़र नहीं आ रहा था ना, जो आपके व्यूवर्स थे, जो लिस्टनर थे, वो आपको देखने के लिए बेताब थे, तो आप पता नहीं क्यों उनको इग्नोर कर रहे थे। तो मैंने इसके लिए आपको सजेशन दी कि यार भाई आप अपना मोबाइल जो है अच्छा से लें और स्टेटस अपलोड करें। थैंक यू और हनीफ भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं कारोबार अपना कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? मैं रिपोर्टर हूँ, खबर पढ़ने आता हूँ, चार बजे पढ़ता हूँ। अच्छा, तो अभी आप एडिट करवा रहे थे क्या? हाँ, अपनी खबरें निकाली, आज दो पढ़ूंगा और रोज डेली एक पढ़ता था। अच्छा, तो हनीफ भाई ने भी सोचा कि मैं डेली जो पढ़ता था वो एक पढ़ता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं दो पढ़ूंगा आज से। तो अभी हमारा बंदा बैठा है, क्या चाहिए, ये हर बार की तरह अंग्रेजी बोलता है और लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अंग्रेज है कौन? ये हनीफ का भाई है छोटा। अच्छा, अमेरिका से आया, ये इधर नहीं रहता। हनीफ बीमार हो, खबर पढ़ाया उसका। तो अंग्रेजी के अल्फाज कुछ तो बोलिए। हाँ, कुछ तो बोलिए, क्या बोलूँगे, हमारे को अंग्रेजी अभी नहीं आती, और क्या। फिर आप अमरीका से कैसे आए हो? अमरीका से ऐसे ही चला आया हूँ, ट्रेन में बैठ के। अच्छा, अमेरिका में मुझे तो पता नहीं, ट्रेन से बैठ के यहाँ पाकिस्तान भी आया जाता है। तो चलते हैं आगे करते। तो अभी मैं आया था, अम्मी का दुपट्टा पड़ा था तैयबा पीको सेंटर में, तो मैं इनसे ही करवाता हूँ पीको, क्योंकि सिटीजन में इनकी जो शॉप है वो आई थिंक 9 साल हो गए हैं इनको, इनकी शॉप को, और बहुत अच्छा करते हैं। पहले तो ये बहुत लेट करते थे, अभी इन्होंने पीका करके रखा है, ये हंस भी रहे थे अभी। क्या, कितने साल हुए हैं आपकी शॉप को? 9 साल हुए हैं मेरी शॉप को। अच्छा, 9 साल हुए हैं, और यहाँ पे किसी और के टक्कर में है या नहीं? सिर्फ हमारी थी शॉप है कि अब तो तकरीबन 2 खुल गई है। अच्छा, तो वो भी टक्कर में चल रहे हैं। अच्छा,
आपके जो कस्टमर थे कोई धक लगा है उनको? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, असल में ये बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि मामा भी इनसे ही करवाती है। आई थिंक हमें भी साल हो गया है हम आते हैं, कभी मेरा छोटा भैया था कभी मैं ही आता हूँ। तो फिर चलते हैं आगे। तो गाइस ये मोहम्मद है और आपने इसको भी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, ये है तो छोटा। इसका काम, इसकी जो हरकतें होती है वो अजीब ही होती हैं। अभी इस मोहम्मद ने ठोर करवाई है। मोहम्मद आपने ठोर क्यों करवाई है मुझे बताओ? छोकर आई थी ठोर चलो हट। आजकल के बच्चे तो देखे जिन्हें बोलना तक नहीं आता वो भी पबजी खेलते हैं। क्या मोहम्मद आप क्या कर रहे हो? हाँ मोहम्मद तू यार छातो करी गुलपट्टी ये गुलपट्टी कदे छा कंहिंखे ॾींदी इहे गुल? पंहिंजे घर खणी वेंदे? पंहिंजे घर खणी वञी करे छा कंदे थो ॿुधा? रांदि खेॾंदे हिननि सां? वॾी ॻाल्हि आहे यार, तूं कमाल थो करीं। अभी हिन ताज़ी ताज़ी ठोर करवाई आहे, हिन मुंहिंजे बताया बि नही था। मोहम्मद नकर 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 अरे छो तो पटी मजो तो अचे मजो तो अचे गुल पटण में वही गाल। अभी अकबर जो था वो झगड़ा कर रहा था बंदे से क्योंकि एक बंदे ने उसकी चाय पी ली। तो वो बोल रहा था मैं इतनी मेहनत से बना भी रहा हूँ और बंदा पी भी रहा है तो फिर नुकसान हो रहा था उसे। तो अभी वकील साहब काम कर रहे हैं। वकील साहब आप क्या कर रहे हैं? उस्मानिया रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ और उस्मानिया को जो संभालते हैं, असल में आज नान वाला आया नहीं था तो उनकी जगह पे वो खुद ही नान बना रहे हैं। अभी कैसे हैं आप? सही है, ठीक ठाक। अच्छा लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया है तो कैसा चल रहा है धंधा आपका? धंधा अभी डाउन हो गया है लॉकडाउन की वजह से। 8 बजे बंद करवा रहे हैं पुलिस वाले। 8 बजे के बाद कोरोना है। 8 बजे के बाद कोरोना क्यों है ये पता नहीं है ना। 8 बजे के बाद कोरोना चल रही दिन को नहीं है। लोग सारा दिन बैठे घूम रहे हैं मार्केटों में, कारोबार बंद करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोग बोलते हैं कि 8 बजे के बाद ही कोरोना स्टार्ट होती है। तो वैसे कोरोना की वजह से आपके धंधे को कोई फर्क तो हुआ है? फर्क हो गया, कैसे नहीं हुआ है, फर्क तो हुआ है। आधे ज़्यादा कम हो गया, कारोबार आदमी आ ही नहीं रहे। जब बैठ रहे हैं तो पुलिस आ रही है उसको उठा रही है, भाई उठो जाओ, अभी क्या करें। तो ठीक है फिर आगे चलते हैं। और मौलवी साहब ने हमें बहुत अच्छा बताया है कि 8 बजे के बाद कोरोना स्टार्ट होती है। तो ठीक है फिर। बाहर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा आ रहा है, बारिश की भी मौसम चल रही पर बारिश हो नहीं रही। तो दुआ कीजिए कि हैदराबाद में भी बारिश हो जाए, बाकी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है।